लेकिन जनाब और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ना हुकूमत की तरफ से इस यहाँ पे एजुकेशन की पोस्टें बेची गई, हमने यहाँ पे मामला उठाया, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। सीएमआईटी की रिपोर्ट, उसमें मैं जनाब स्पीकर, सीएमआईटी की रिपोर्ट आ गई है, वो सीएम साहब ने इस हाउस में एडमिट किया था कि मेरे टेबल पे वो रिपोर्ट आ गई है, पढ़ा, हम कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पे वासा की पोस्टें बेची गई, कोयटे की, जब चीफ मिनिस्टर साहब आ जाएंगे फिर जनाब स्पीकर, मैं कोयटे की क्लास फोर की पोस्टों पे जो है ज्यारत के लोगों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम यहाँ पे चीखते रहे लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी जनाब वाला। आज इस वक्त भी जब हम इस ऐवान में बैठे हैं, ऐवान की कार्रवाई को चला रहे हैं, आज भी हुकूमती बेंचेस के एक इत्यादि नवाबजादा ग्वाराम बुगटी साहब डेरा बुगटी में डीसी ऑफिस के सामने कोई 4,000-5,000 लोगों के साथ धरना दे के बैठे हुए हैं कि वहां पे लेवीज की पोस्टें 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए में बेची गई हैं। वो आज भी वहां पे धरने पे बैठे हैं जनाब वाला। और क्या सबूत आपको चाहिए कि यहां से भी लोग करप्शन पोस्टों को बेचने के हवाले से चीख रहे हैं, वहां से भी लोग धरने पे बैठे हैं करप्शन के हवाले से। जनाब वाला, इस हुकूमत की इससे बड़ी करप्शन की और दलील क्या होगी कि उनकी अपनी सफों से आज आवाजें उठ रही हैं कि करप्शन हो रहा है, पोस्टें बेची जा रही हैं, अकरबा परवरी हो रहा है, लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। जनाब वाला, क्या बुरा होता है कि उस दिन जब ग्वाराम बुगटी साहब बोरी भर के पैसों के गए थे सीएम उस पोस्टें खरीदने, उस दिन ग्वाराम को आप ये पोस्टें बेच देते तो कम से कम 4 गरीब लोगों को मुफ्त में ये पोस्टें मिलती। अगर कोई बोझ पड़ता तो वो सिर्फ अकेले ग्वाराम के ऊपर पड़ता। उस दिन अगर सीएम उस में उनसे वो पैसे ले लिए जाते तो मेरे ख्याल से उन गरीबों के घरों तक ये रोजगार मुफ्त में पहुंचता। ग्वाराम शायद वो पैसे अफोर्ड कर सकता है, वो दे सकता है, लेकिन वो बेरोजगार लोग, बलूचिस्तान के वो गरीब लोग जिन्होंने अपनी माओ और बहनों के जेवर बेच के ये पोस्टें खरीदी होंगी, ये बोझ उन पे ना पड़ता। अगर उस दिन उस बोरी को जो है सीएम उसमें रख लिया जाता, उस दिन उस बोरी को वहां पे रख के ये पोस्टें ग्वाराम के हवाले किए जाते तो मेरे ख्याल से ये बेहतर। जी शुक्रिया अख्तर जान।